आज आपको मैं बताने वाली हूँ फुल बॉडी वर्कआउट जो आपका एक महीने में 5 किलो वजन आसानी से घटा देगी। वो भी ऐसा वर्कआउट है जो अगर आप स्टार्टिंग बिगनर हैं या बहुत लेजी किस्म के इंसान हैं तो भी आप इजीली इस वर्कआउट को करके अपना वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट होती है कि दी कुछ ऐसा वर्कआउट बताएं कि ज्यादा हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और वेट भी मैनेज रहे। लेकिन आपका एक महीने में जब आपका वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। बहुत सारे लोग इस बात से निराश होकर एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं क्योंकि कोई असर नहीं आ रहा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आपने रोजाना क्या करना है। आज ही अपने इंची टेप से अपने पूरे बॉडी को मेजर करके कॉपी पे लिख लेना है और एक हफ्ते बाद आपको इंची टेप से मेजर करना है, क्योंकि देखने में आपको लगेगा कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन अगर आधा इंच भी आप देखेंगे ना एक हफ्ते में कम हो गया है तो आपको और खुद से मोटिवेशन मिलेगा कि आपको एक महीने में यानी आप कितने इंचेस लूज कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा जो स्लाइटली डिफरेंस आता है वो आपको देखने में फील नहीं होता, लेकिन बॉडी में एक्सरसाइज काम करती है। तो जैसे आपको खाना खाना है उसी तरीके से आपको उसको पचाना है। जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेंगे तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा अपना होमवर्क। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जमकर शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते टाइम ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप देख सकें। और प्लीज़ अपना कमेंट के थ्रू प्यार ज़रूर जाहिर करिएगा। जानती हूँ रिप्लाई नहीं करती उसके लिए सॉरी, लेकिन कमेंट सारे ज़रूर पढ़ती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने क्या करनी है फुल बॉडी वर्कआउट में, जंपिंग जैक। जंपिंग जैक करने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है, हमारे पूरे बॉडी पे इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है और साथ में इससे आपका फैट लूज बहुत जल्दी होता है। तो आप जंपिंग जैक 200 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम तो देखिए कितने भी करिए। स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हैं तो 50 तो आपको मिनिमम करने ही है, लेकिन मैं आपको बहुत कम कम रेशो में दिखाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा जंपिंग जैक करने पे जो बिगनर है बिल्कुल आपको अपने टोज पे करना होता है, हील यानी एडी का इस्तेमाल नहीं करना होता, इससे आपके नहीं तो पैर में दर्द हो जाएगा। और जब जंपिंग जैक करते हैं तो अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर और शूज़ ज़रूर पहने, क्योंकि शूज़ से उससे क्या होगा आपके पैर में पेन नहीं होगा। नंगे पैर चप्पल में या इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी जंप ना करें। रिलैक्स, 10 सेकेंड का गैप ले और उसके बाद दोबारा से अब करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, अपने हैंड्स को ऐसे पीछे लेके जाना है बैक पे और अपने ऑपोजिट साइड हमें अपने टोस टच करने हैं। इससे क्या होगा, जब हम अपनी बॉडी को ऐसे करेंगे, दोनों अपने स्क्वीज करेंगे तो उससे हमारे पेट पे यानी लोअर बेली और जो अपर बेली होता है ना उस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आपका वहाँ का फैट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इफेक्टिव है। वन साइड हमें 10 करना है, अदर साइड 10 करना है और इसके करने हैं 4 सेट, यानी 40 आपको करने हैं राइट साइड, 40 ही आपको करने हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो फिर। आप अदर साइड पे सेम आप खुद फील करेंगे, जब कर लेंगे तो आपके पेट में बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो बहुत नॉर्मल है, टेंशन मत लेना। जरूर करना, हफ्ते में एटलीस्ट आप 5 डेज तो रखे ही रखे एक्सरसाइज के, 2 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम एक्सरसाइज करनी है। और जो रैप्स और सेट्स बताए जाने हैं प्लीज उसका टाइम ध्यान रखें। और जब आप ये वर्कआउट करें तो आपको पेट को अंदर स्क्वीज करके रखना है, खींच के रखना है। जितना आप अपनी मसल को एंगेज करेंगे उतना ही वहाँ का जो है लोड यानी फैट कम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हमने करने हैं जंपिंग स्क्वैट, ठीक है। जंपिंग स्क्वैट से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है, एक तो आपकी थाइस, आपके काफ यानी आपकी जो यहाँ की मसल्स होती हैं, यहाँ का जो फैट होता है लटक जाता है वो कम होता है, आपकी लेग्स बहुत अच्छी टोन होती हैं, हिप्स बहुत अच्छे टोन होते हैं और ये आपके लोअर अपर टमी पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपसे जंपिंग स्क्वैट नहीं हो रहे तो आप नॉर्मल वाले कर सकते हैं, आप दरवाजे का सहारा या किसी खिड़की का सहारा लेकर कर सकते हैं, सपोर्ट से कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूर फॉलो करें।
जब आप फर्स्ट डे करेंगे, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आपके जो लेग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, गिल्ट गिल्ट जैसे होते हैं ना, जैसे टाइट हो जाती है मसल, वैसे फील होगा। तो ऑयल से रात को मसाज कर लेना, लेकिन एक दिन का गैप देके दोबारा से उसको करना, क्योंकि स्क्वैट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आपके लोअर और अपर बेली को रिड्यूस करती है। ठीक है, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हाई नीज। हाई नीज पहले आप बिगनर है तो स्लो, अपने हैंड का एक लेवल रख लीजिए इतना। अगर आपका टमी है तो आप ज्यादा ऊपर नहीं ला पाएंगे अपनी लेग्स को, एक लेवल रखना है। ठीक है, आप अपनी वेस्ट के इक्वल या आपकी जो नेवल होती है ना, वहां पे आप अपने हैंड रख लीजिए उतने लेवल पर, और आपको ऐसे आना है। ठीक है, अपने हैंड को डाउन नहीं करना है, अपनी नीज को अपने हैंड तक लेकर आना है, जो भी आपने लेवल सेट करा है। वैसे नेवल का बिल्कुल सही है, और धीरे धीरे इस लेवल को ऊपर लेकर जाइए, क्योंकि जब आप जितना ऊपर लेकर जाएंगे ना अपनी लेग को, तो उतना ही आपके जो यहाँ का फैट है ना वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक समझेगा कि जब हमारी मसल्स ट्विस्ट होती हैं तो हमारा वहाँ का फैट टूटता है। और आपने हर एक्सरसाइज में अपने पेट पे फोकस करना है, रैप से ज़्यादा आप अपने पेट पे फोकस करना है, मसल को एंगेज करके रखना है, अंदर स्क्वीज करके रखना है अपने पेट को। अब बढ़ते हैं फास्ट फास्ट थोड़ा सा, रिलैक्स। ठीक है, अब देखिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। हमें ये जो वर्कआउट है, जो भी आपको मैंने सारी एक्सरसाइज बताई है, बहुत इजी है, इजीली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्लीज आलस मत करना, क्योंकि अगर देखो थोड़ा सा अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं कि दूसरा मुझे क्या कहेगा, अपने लिए, ताकि मैं अपने शीशे में जब अपने आप को देखूं तो हाँ फील कर सकूं कि यार मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, एक मेंटेन चल रही हूँ, है ना। तो अपने लिए जीना है हमने, दूसरों के लिए नहीं जीना। तो अब लास्ट एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक। प्लैंक क्या करती है, हमारे फुल बॉडी को टोन करती है, मसल को एंगेज करती है और फैट को तोड़ती है। तो प्लैंक अब हम करते हैं, स्टार्टिंग में आपको उसको 20 सेकेंड्स होल्ड करना है प्लैंक को, फिर 30, और ग्रेजुअली इंक्रीज करना है उसको, एक मिनट तक लेके जाना है, या अगर आप उसे ज़्यादा लेके जा सके तो और बेस्ट चीज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको मेरा कैसा लगा ये बेहतरीन वाला आसान सा फुल बॉडी वर्कआउट? मजा आया ना? मजा नहीं भी आया तो बेड पे लेटे लेटे मत देखो, आप खड़े हो जाओ, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, आज से ही स्टार्ट करो। जब भी प्यास लगे 2-3 ग्लास पानी पी लो, और हाँ अगर आप और तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो एक सप्लीमेंट भी है मेरे पास, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो जाके भी परचेज कर सकते हैं, उसको भी इनटेक कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के साथ आप उसको लेंगे तो और जल्दी विजिबल रिजल्ट आपकी बॉडी पर आपको दिखेगा। तो देरी किस बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।